सब नेटवर्क क्राइम वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपडेट पाएं। आवाज कहां से आ रही? इतनी रात गए जयंतीलाल के बंगले से कौन भाग रहा है? जरूर कोई गड़बड़ है। हेलो पुलिस स्टेशन, वो शख्स जिसके चीखने की आवाज इनके पड़ोसी मिस्टर पादुकोण ने सुनी, और ये खून भी अभी तक सूखा नहीं है सर। इसका मतलब ये हुआ कि कत्ल हाल में ही हुआ है। यू आर राइट श्रीवास्तव, हो ना हो श्रीवास्तव, इस शख्स का कत्ल भी उसी आदमी ने किया है जिसे मिस्टर पादुकोण ने बंगले के पिछवाड़े से भागते हुए देखा। हो सकता है सर। श्रीवास्तव, मुझे नहीं लगता कि इस कत्ल के पीछे मकसद चोरी हो सकता है। आओ श्रीवास्तव। बंगले से आ रही है श्रीवास्तव, यहीं कहीं से। हेलो, कोई है? कोई है यहां पे? बच्चे, मुन्ना, हम लोग पुलिस वाले हैं, अब आपको कोई कुछ नहीं करेगा। आप कौन है? आपका नाम क्या है? साहब, मेरा नाम राजा है, मेरे पिताजी इस घर के नौकर हैं। बेटे, आपके पिताजी का नाम क्या है? भोला। कहाँ है वो इस वक्त? वो इस वक्त किसी जरूरी काम से बाहर गए हैं। आप और आपके पिताजी अकेले घर पर रहते हैं? जी नहीं साहब, इस घर के साहब अकेले रहते थे तो मैं और मेरे पिताजी उनके साथ रहते हैं। लेकिन बच्चे, आप यहाँ छुप के रो क्यों रहे हो? मैं डर गया था। किससे? कोई साहब से मिलने आया था, शायद उसने साहब को खून कर दिया। मैंने साहब की चीख सुनी। तुमने चीख सुनी, तुमने और कुछ महसूस किया, और कुछ देखा तुमने? नहीं। क्या तुमने तुमने उसे जयंतीलाल जी का खून करते हुए देखा था? नहीं साहब, मैंने उसे नहीं देखा था। क्यों? क्योंकि मैं देख नहीं सकता, मैं अंधा हूं। तो
बिल्कुल घबराना मत, ओके श्रीवास्तव, यहाँ पर एक हवलदार तैनात कर दो। राजा बेटा इधर बैठो, ये कुर्सी है, इधर आराम से बैठो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, रिलैक्स। चलो श्रीवास्तव। सर ये तो मास्क है। श्रीवास्तव, मुझे ऐसा लगता है श्रीवास्तव जैसे कातिल यही मास्क पहन कर आया था। सर हमारे डिपार्टमेंट के स्केच आर्टिस्ट मिस्टर देसाई ने इस मास्क के आधार पर यह स्केच तैयार किया है। और उनका भी यही मानना है कि इस मास्क को पहनने के बाद किसी भी आदमी की शक्ल सूरत लगभग इस स्केच की तरह ही लगेगी। श्रीवास्तव, दो संभावनाएं हो सकती हैं और वो दो पॉसिबिलिटीज ये हैं कि पहली तो ये कि किसी इंसान ने अपनी कल्पना शक्ति से, अपनी इमेजिनेशन से ये मास्क बनाया हो, इसके नैन नक्श, दैट्स इट। और दूसरी संभावना ये, इसी शक्ल सूरत का इस दुनिया में कोई आदमी बसता है। अब इसका कोई दुश्मन हो सकता है, उसने इससे बदला लेने के लिए इसका मास्क तैयार किया, कत्ल किया और बंगले के बाहर वो मास्क प्लांट कर दिया इससे बदला लेने के लिए, इसे फंसाने के लिए। You're right, sir. वो कॉन्ट्रैक्टर क्या नाम है उसका? जयंतीलाल। हाँ जयंतीलाल, कुछ पता चला उसके बारे में? जी हाँ, उसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन हमने कलेक्ट करी है और हमारी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक उसकी फैमिली में और कोई नहीं था। अपने बंगलों में वो अपने नौकर और उसके अंधे बेटे के साथ ही रहता था। पेशे से सिविल कॉन्ट्रैक्टर था, रोड और ब्रिजेस बनाने के कॉन्ट्रैक्ट लिया करता था। सिविल कॉन्ट्रैक्टर, रोड और ब्रिजेस बनाने के कॉन्ट्रैक्ट लिया करता। बिग मनी, बिग कैश इन वर्ल्ड, दुश्मन होने की सारी संभावनाएं। राइट सर। और उसका सबसे बड़ा बिजनेस राइवल था कॉन्ट्रैक्टर राम कार्निक। मरे हुए आदमी के बारे में अक्सर लोग बुरी बात नहीं बोलते इंस्पेक्टर, लेकिन मेरी नजर में जो इंसान जीते जी बुरा हो, मरकर भी वो बुरा ही रहेगा। जयंतीलाल बहुत ही घटिया, लालची और धोखेबाज इंसान था, नफरत करता था मैं उससे। मिस्टर राम कार्निक, जयंतीलाल जी के बारे में ये जो आपकी राय है, इसके पीछे कोई खास वजह? बिला वजह मैं कभी कोई बात नहीं बोलता इंस्पेक्टर, नेवर। उसकी वजह से मुझे करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ था। कार्निक साहब, ये बताइए कि नुकसान आपको कैसे हुआ? करोड़ों की लागत से एक पुल बनने वाला था इंस्पेक्टर, और उसका कॉन्ट्रैक्ट भी मुझे मिलने वाला था, लेकिन ऐन मौके पर इस जयंती लाल ने वो कॉन्ट्रैक्ट रिश्वत देकर खुद हासिल कर लिया। और मैं उस पुल को बनाने के लिए मटेरियल भी खरीद चुका था, और उसकी वजह से मुझे इतना नुकसान हुआ कि मैं बिल्कुल बिल्कुल बर्बाद हो गया।
और मुझे अपना बिजनेस खड़ा करने में और 3 साल लग गए, 3 years. और यही वजह है मिस्टर राम कार्निक कि मार्केट में जयंतीलाल जी आपके सबसे बड़े प्रतिद्वंदी थे, सबसे बड़े कॉम्पिटिटर थे, करेक्ट? मुझे उसकी मौत का अफसोस सिर्फ इसलिए इंस्पेक्टर, क्योंकि मैं उसके जीते जी उसे बिजनेस में बर्बाद होते हुए देखना चाहता था. मैं खुद उसके साथ वो सलूक करना चाहता जो उसने मेरे साथ किया. और जब आपको ये मौका नहीं मिला तो फ्रस्ट्रेशन में यूं कह लीजिए आपने उसका खून कर दिया या फिर खून करवा दिया. इंस्पेक्टर, मैंने आपको सब कुछ सच सच बता दिया है. इसका मतलब ये नहीं है कि आप बेबुनियाद मुझ पर इल्जाम लगा दें. ठीक है कर्नी साहब, फिलहाल आप ये बताइए कि कल रात 11 से 1 बजे के बीच में आप कहाँ थे? कल रात वो मैं अपने कुछ दोस्तों के साथ था. आप अपने दोस्तों के साथ कहाँ थे मिस्टर राम कार्निक? मैं कोई मुजरिम नहीं हूँ इंस्पेक्टर के आप इस तरह से मुझसे सवाल जवाब करें. शक की बुनियाद पर अपने मुजरिम से सवाल जवाब करने का हक हमें कानून ने दिया है. ओके? आप कहना क्या चाहते हैं? कहना तो आपको है मिस्टर राम कार्निक, मैं तो जानना चाहता हूँ और ये जानना चाहता हूँ कि जिस वक्त जयंतीलाल जी का खून हुआ एग्जैक्टली उस वक्त आप कहाँ थे? जयंतीलाल जी के साथ आपकी बिजनेस राइवलरी थी, ये तो आप खुद कबूल कर चुके हैं. अब जिस वक्त जयंतीलाल जी का कत्ल हुआ उस वक्त आप ही की कद काठी का आदमी उनके बंगले से बाहर निकलता देखा गया था, इसका जवाब है आपके पास? इंस्पेक्टर, मैं अपने 4 दोस्तों के साथ कल रात 10 बजे से 3 बजे तक रंगीला बार में था, जोगेश्वरी. फिर से एक बार सोच लीजिए मिस्टर राम कार्निक, वाकई 10 और 3 के बीच में आप जोगेश्वरी के रंगीला बार में थे? आई एम श्योर, आप क्रॉस चेक कर सकते हैं. सर छोड़िए, ये बताइए कि इसे पहचानते हैं आप? ये तो एक रबर का टुकड़ा दिखता है. लेकिन ये है कुछ और मिस्टर राम कार्निक. श्रीवास्तव. मिस्टर कार्निक, इस तस्वीर को गौर से देखिए, इसे पहचानते हैं आप? कमाल है, एक पेंटर का स्केच दिखाकर आप इसकी पहचान पूछ रहे हैं मुझसे. इसके मायने ये हुए मिस्टर राम कार्निक कि आप इसे जानते हैं. यस, ये पेंटर रंजन बरुआ है, काफी अच्छे पेंटर हैं. रंजन बरुआ. इंस्पेक्टर, ईमानदारी से कहूं तो अपनी सफाई पेश करने के लिए मेरे पास एक भी गवाह नहीं है, कोई परफेक्ट अलिबाई नहीं है. मिस्टर रंजन बरुआ, कल रात आप कहां थे? यही स्टूडियो में पेंटिंग कर रहा था. अमूमन देर रात तक पेंटिंग करने की मेरी आदत है, 2-3 तो बज ही जाते. कॉन्ट्रैक्टर जयंतीलाल का नाम सुना आपने? आप उन्हें कैसे पहचानते थे? दोस्त है. आपके और जयंतीलाल जी के बीच में कभी कोई मतभेद या कोई दुश्मनी? वैचारिक मतभेद था. वो कॉन्ट्रैक्टर, मैं आर्टिस्ट. उसकी जिंदगी का एक ही मकसद था, ज्यादा से ज्यादा दौलत कमाना. दौलत कमाने के लिए वो जो रास्ते अपनाता था मेरे उसूल के खिलाफ थे. यानी आप ये कहना चाहते हैं मिस्टर रंजन बरुआ कि आपकी जयंतीलाल जी के साथ कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं? नो, नॉट एट ऑल.
इसीलिए मैं आपको आगाह किए देता हूं मिस्टर रंजन वर्मा कि कोई आपको फंसाना चाहता है। ये मास्क देख रहे हैं आप, ये आपकी शक्ल का मास्क है मिस्टर रंजन बरुआ, किसी ने बनाया है। आपके बगल में कातिल ने जयंतीलाल जी का खून किया और बंगले के पिछवाड़े ये मास्क वहां प्लांट कर दिया ताकि इस कत्ल के केस में आप फंस जाएं। अच्छा ये बताइए कि आपसे किसी और की या फिर राम कार्निक की कोई दुश्मनी? नो मिस्टर बरुआ, ये बताएंगे कि मरहूम जयंतीलाल जी के घर में और कौन कौन है? जी, उनके दो बेटे थे जो रोड एक्सीडेंट में मारे गए और उनकी पत्नी शादी के 15 साल बाद उन्हें डिवोर्स देके अपने फादर के पास दार्जिलिंग में सेटल हो गई थी। एनी हाउ थैंक यू वेरी मच, थैंक यू मिस्टर वर्मा। एनी टाइम। जयंतीलाल के कातिल को पकड़ने में जब भी मेरी मदद की जरूरत पड़े तो हेजिटेट मत कीजिएगा, मैं हमेशा तैयार हूं। थैंक यू मिस्टर वर्मा, थैंक यू। श्रीवास्तव, अब तक हमारी नजरों में राम कार्निक ही एक वाहिद ऐसा शख्स है जो जयंतीलाल का दुश्मन था और जो उस पेंटर रंजन बरुआ को भी जानता था। लेकिन सर, हमारी तहकीकात से यह बात तो कंफर्म हो गई है कि राम कार्निक की अलिबाई पक्की थी। कत्ल वाली रात वो रंगीला बियर बार में ही था और 3 बजे से पहले वो बार के बाहर 5 मिनट के लिए भी नहीं निकला। सर, फिलहाल तो उस मास्क के अलावा कातिल तक पहुंचने के लिए हमारे पास और कुछ सुराग भी नहीं है। सुराग भले ना हो श्रीवास्तव, लेकिन हमारे पास एक पुख्ता गवाह जरूर है। हमारे पास गवाह है? जी हाँ। कौन सर? जयंतीलाल का नौकर भोला, उसका बेटा राजा। लेकिन सर, वो बच्चा तो अपनी आंखों से देख भी नहीं सकता, वो हमारी मदद कैसे करेगा? मुझे पूरा यकीन है श्रीवास्तव कि वो बच्चा हमें कातिल तक पहुंचने में मदद जरूर करेगा। राजा बेटा, तुम्हारे डैडी परसों रात घर पर नहीं आए थे ना? नहीं। अच्छा राजा बेटा, एक बात बताओ, जिस रात जयंतीलाल जी का खून हुआ उस रात तुमने कुछ देखा, कुछ महसूस किया? कोई आया था, वो ऊपर जा रहे थे, मैं बीच में आया तो उन्होंने मुझे धक्का दे दिया। उन्होंने ऊपर जाके हमारे साहब का खून कर दिया। मैंने उनकी चीख सुनी, मैं डर के मारे कमरे में छुप गया। उन दोनों के बीच में कोई झगड़ा वगैरह नहीं हुआ था? नहीं। राजा बेटा, अपने दिमाग पे जोर डाल के बताओ कि तुमने कोई ऐसी खास बात महसूस की या सुनी जो तुम्हें बड़ी अजीब लगी हो? मुझे भी कुछ याद नहीं आ रहा है और मैंने सिर्फ साहब की चीख सुनी थी। तुम्हें अच्छी तरह याद है? जी हाँ साहब। अच्छा राजा बेटे, काम करते हैं, आप मेरे साथ ड्राइव पे चलेंगे? हम लोग घूमने चलते हैं गाड़ी में, शायद रास्ते में कुछ याद आ जाए तुम्हें। ओके? बोला मैं तुम्हारे बेटे को अपने साथ ले जा रहा हूँ, थोड़ी देर बाद छोड़ जाऊंगा। जी साहब। राजा बेटे, कुछ याद आया आपको? नहीं। गौर से सोचो।
अच्छा राजा बेटा एक बात बताओ, जब जयंतीलाल जी का झगड़ा हो रहा था उस आदमी के साथ, तब उन्होंने किसी का नाम लिया था? जरा दिमाग पे जोर डाल के बताओ। नहीं। अच्छा चलिए खैर छोड़िए, आप ये बताइए कि आपको आइसक्रीम पसंद है? जी हाँ, कभी कभी साहब हमारे लिए लेके आया करते थे। अभी लेके देते हैं आपको, एक मिनट। मैं आपके लिए आइसक्रीम लेके आता हूँ। ये रही आपकी आइसक्रीम राजा बेटे। हाँ चॉकलेट है। अंकल ये आप मुझे कहाँ ले आए? राजा बेटा मेरे ऑफिस में, पुलिस स्टेशन। लेकिन मेरी आइसक्रीम तो खत्म हो गई। ओफो, चलिए खैर एक और आ जाएगी। चलिए श्रीवास्तव सर, राजा बेटा को नीचे उतारना, आइए। ओके सर। हाँ राजा बेटा, कुछ याद आया? हाँ, जब वो आदमी आया था ना तो मुझे कुछ अजीब सी खुशबू आई थी। कैसी खुशबू? पता नहीं, पर एक अजीब सी खुशबू आई थी। अजीब सी खुशबू? एनीहाउ, एक काम करते हैं राजा बेटा, चल के ऑफिस में बैठते हैं, आपको हम एक और आइसक्रीम खिलाते हैं, शायद कुछ और याद आ जाए। ओके अच्छा। एक मिनट। ऐसी ही खुशबू आई थी। मतलब टर्पेंटाइन की खुशबू। कम इन। रंजन बरुआ। रंजन बरुआ, रंजन बरुआ तो मैं हूं।
तुम्हारा भूत। ये कैसा बेहुदा मजाक है? मजाक तो आपने अपने साथ किया है पेंटर बाबू, अपना ये मास्क बनाकर। क्या मतलब? मतलब ये पेंटर बाबू कि ज्यादा अनजान बनने की कोशिश ना करो, आपकी सेहत के लिए अच्छा होगा। देखो इंस्पेक्टर, तुम जरूर किसी बहुत बड़ी गलतफहमी का शिकार हो गए हो। जी हाँ, गलत फहमी का शिकार हो गया था, लेकिन अब यह गलत फहमी दूर हो गई है। कत्ल वाली रात आप कॉन्ट्रैक्टर जयंतीलाल के घर गए थे, गए थे ना? नो। गए थे? नो। मैंने कहा गए थे। आई सेड नो एंड आई सेड यस। नो, आई सेड यस, और आप ही ने जयंतीलाल जी का खून किया। इंस्पेक्टर, आवाज नीची करके बात करो, मेरे सामने चिल्लाने का नहीं। The hell you think about yourself? तुम मुझे ऐसे किसी झूठे इल्जाम में नहीं फंसा सकते, और तुम ये मासूमियत का मुखौटा अपने चेहरे पर पहनकर बहुत दिनों तक मेरे हाथों से बच नहीं सकते। जयंतीलाल जी का खून तुमने किया है, तुमने किया है, और सिर्फ तुमने किया है मिस्टर रंजन बरुआ। क्या सबूत है तुम्हारे पास? पेंटर बाबू, आपका घर जयंतीलाल जी के बहुत करीब है। जब आप जयंतीलाल जी के घर उनका कत्ल करने गए, जाने से पहले आपके हाथ में जो कलर लगा हुआ था, आपने टर्पेंटाइन से उसे साफ किया, जैसे कि अक्सर हर पेंटर करता है, और टर्पेंटाइन की महक बहुत देर तक बरकरार रहती है। जब तुम जयंतीलाल जी का खून करने गए, जो रास्ते में तुम एक बच्चा टकराया उसके बंगले के अंदर, आपने उसका मुंह बंद करने की कोशिश की, और यह टर्पेंटाइन की खुशबू बहुत देर तक बरकरार रहती है। उस बच्चे ने वो खुशबू आइडेंटिफाई की जब पहली बार मैं आपसे मिलने आया आपके घर पर, तब तुम उसी टर्पेंटाइन से अपने कलर वाले हाथ साफ कर रहे थे, और मैंने वो खुशबू आइडेंटिफाई की। वही सुराग मुझे तुम तक ले आया। What rubbish! ये कोई सबूत हुआ मुझे कातिल साबित करने के लिए? पुलिस को मुजरिम से सच उगलवाने के बहुत सारे तरीके आते हैं पेंटर बाबू, उसमें से एक थर्ड डिग्री भी होता है। अगर आप कहें तो आपसे सच्चाई उगलवाने के लिए हम ये थर्ड डिग्री इस्तेमाल कर लें। डॉक्टर, तुमने कहा था कि किसी ने मेरी शक्ल का मास्क इस्तेमाल करके मुझे फंसाने की कोशिश की है। कहा था, बेशक कहा था। जरा सोचने वाली बात है पेंटर बाबू, कि कोई इंसान मास्क पहनकर जब किसी का खून करने जाता है, खून करने के बाद जब वो वापस जा रहा है, तो मास्क निकालकर वो लॉन में नहीं फेंक देगा ताकि अड़ोस पड़ोस वाले उसे पहचान ले, पुलिस के हवाले करके उसे फांसी हो जाए, तो मास्क पहनने का फायदा क्या हुआ? ये चालाकी आपने की थी पेंटर बाबू, आपने हमें गुमराह करने के लिए, पुलिस को गुमराह करने के लिए, ताकि अगर आपसे सवाल पूछा जाए तो बड़ी आसानी से आप जवाब दे सके कि किसी ने मास्क उतारकर बंगले में फेंक दिया मुझे फंसाने के लिए, मेरे खिलाफ कोई साजिश हो रही है। वेरी क्लेवर। लेकिन एक बात भूल गए आप पेंटर बाबू, कि जहां मुजरिम के सोचने की हद खत्म होती है, वहीं से इंस्पेक्टर भारत की सोच शुरू होती है। मैं कह चुका हूं मैंने जयंतीलाल का खून नहीं किया है। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, मैं कहता हूं छोड़ दो मुझे। जल्दी से कबूल करने के, वरना
आपके दोनों हाथ में तोड़ दूंगा। ना तो आप पेंटिंग करने लायक रहेंगे और ना ही किसी का कत्ल करने लायक। Come on, speak up! You can't do this to me, Inspector! I will do this to you! Okay! मैं कबूल करता हूँ, मैं कबूल करता हूँ कि जयंती लाल का कत्ल मैंने किया है। और अब आप हमें ये बताएंगे कि आपने क्यों किया जयंती लाल जी का खून? क्योंकि वो कभी ना था। 2 साल पहले मैंने उसे एक पेंटिंग गिफ्ट की थी, मगर उस पेंटिंग के फोटोग्राफ से एक इंटरनेशनल बायर ने कहीं देखे, उसे वो पेंटिंग बहुत पसंद आई और वो मुझसे 30 लाख रुपए में वो पेंटिंग खरीदने के लिए तैयार हो गया। ₹30 लाख मेरे लिए बहुत बड़ी रकम थी और फिर इतने महंगे दामों में मेरी पेंटिंग बिकने से मेरा रुतबा, मेरी प्रेस्टीज बहुत ऊंची हो जाएगी, ये मैं जानता था। मैंने उस बायर से सौदा कर लिया और बतौर एडवांस 10 लाख रुपए ले लिए। मेरे लिए जिंदगी का ये बहुत बड़ा मौका था। मैंने सोचा कि जयंती मेरा दोस्त है, मेरी पेंटिंग मुझे वापस कर देगा और मैं उसे कोई दूसरी अच्छी सी पेंटिंग गिफ्ट कर दूंगा। यही सोचकर मैंने जयंती को यहां अपने घर पे बुलाया। अमा यार, कैसी बातें कर रहे हो? भला गिफ्ट में दी हुई चीजें भी किसी को कोई लौटाता है? मैं तुमसे कितनी बार कह चुका हूं, तुम उस बायर को रुपए वापस दे दो, मैं तुम्हें वो पेंटिंग वापस देने वाला नहीं हूं। यार, वो पेंटिंग मेरी पूरी जिंदगी का नक्शा बदल सकती है, मेरी कितनी जरूरतें, कितने सपने पूरे हो सकते हैं। वो पेंटिंग तुम्हें मुझे वापस करने में क्या एतराज हो सकता है? देखो ना, आफ्टर ऑल वो पेंटिंग है तो मेरी ना। अरे भाई, वैसी ही दूसरी पेंटिंग बनाकर उस बायर को दे दो। अरे नहीं दे सकता यार, कैसे दे दूं? क्या ताजमहल या पेरिस का एफिल टावर दोबारा बन सकता है? नहीं तो क्या मैं वो पेंटिंग दोबारा नहीं बना देता? मगर जो एक चीज बन गई, दोबारा नहीं बन सकती यार। देख मेरे दोस्त यार, बच्चों की तरह जिद मत कर यार, मेरी पेंटिंग मुझे वापस कर दे यार, प्लीज। देखो रंजन, मैं तुम्हें पहले भी कह चुका हूं कि मैं वो पेंटिंग तुम्हें वापस लौटाने वाला नहीं हूं। किसी भी कीमत पर उससे अपनी वो पेंटिंग हासिल करना चाहता था। मैंने ठान लिया था कि अगर इसके लिए मुझे उसकी जान भी लेनी पड़ी तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। कौन है? कौन है यहाँ?
तुम और इस गेटअप में? देखो रंजन, मैं तुम्हें पेंटिंग ले जाने नहीं दूंगा। अपने जुर्म की कहानी तफसील से बताने का बहुत बहुत शुक्रिया पेंटर बाबू। एक मशवरा देता हूं आपको पेंटर बाबू कि आप एक पेंटर हैं, एक आर्टिस्ट हैं, एक कलाकार हैं। आपके आपके हाथों में ब्रश और कलर शोभा देते हैं, चाकू और खंजर नहीं। कॉन्ट्रैक्टर जयंतीलाल के कत्ल के जुर्म में मैं तुम्हें गिरफ्तार करता हूं। श्रीवास्तव सर, हिरासत में लो इन्हें। और राजा बेटा, मैं आपको थैंक्स बोलने आया हूं और ये चॉकलेट देने आया हूं, ये आपके लिए। किस लिए इंस्पेक्टर साहब? इसलिए मेरा राजा बेटा कि आपकी मदद से हमने एक कातिल को पकड़ा है। आपने कातिल को पकड़ने में पुलिस की मदद की। कौन कहता है कि आपके पास आंखें नहीं है? मैं कहता हूं आपके पास आंखें भी हैं, आपके पास एक आला दिमाग भी है, और इतना अच्छा दिमाग है कि एक दिन आप सारी दुनिया को रोशन करोगे। और अब आने वाली 26 जनवरी को सरकार से मेरे राजा बेटा को शौर्य पुरस्कार दिलाने की सिफारिश करूंगा।